सदनती त्राड़खल के इलाके डन्ना पोठी मीर खान चौधरी काला खान मोहल्ला चौधरियों के घर सालाना महफले मीलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में उलमा इकराम नात खान और अवामे इलाका ने भरपूर शिरकत की। खुसूसी आमद पीर शेर रबानी असद और पीर शमसल आरफीन नक्शबंदी गजनवी ने की। पीर शमसल आरफीन के वलवले अंगेज खताब ने अकायद अहले सुन्नत की तर्जमानी करते हुए एक मोहब्बत अमेज समा बांध दिया। महफिल मीलाद के तमाम तर इंतजाम साहबजादा अल्लामा मोहम्मद कबीर सिद्दीकी ने सर अंजाम दिए। हमारे साथ मौजूद है समीउल्लाह नूरानी। समीउल्लाह तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, सदनोती त्राड़खल के इलाके डन्ना के मकाम पर चौधरी काला खान आफ डन्ना पोटी मीर खान मोहल्ला चौधरियों के घर सालाना महफिल मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में उलामा इकराम और सनाख्वाना ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आवाम ने भरपूर शिरकत की। मशाइखीन नारिया शरीफ में से हजरत किबला पीर शेर रब्बानी असद और शमसुल उलामा हजरत किबला पीर शमसुल आरिफीन साहब नक्शबंदी गजनवी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम में पीर शमसुल आरिफीन नक्शबंदी गजनवी के वलवला अंगेज खिताब ने अकायद अहले सुन्नत की खूब तर्जमानी की और एक मोहब्बत में समा बांध दिया। उन्होंने फरमाया कि अहले सुन्नत ही अहले बैत और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के नामूज के हकीकी मुहाफिज हैं। महफिल में अल्लामा सैयद मुनव्वर हुसैन शाह, अल्लामा मौलाना हाशिम अल कादरी, हजरत अल्लामा हाफिज अली अकबर जाहिदी खतीब दरबार आलिया नहरिया शरीफ, अल्लामा इरशाद सुल्तानी मशहूर नातख्वां कारी मोहम्मद वसीम नक्शबंदी रुखसार अहमद चिश्ती कादरी दाऊद मुजद्दी अदील अहमद मौलाना मोहम्मद अतीक मौलाना आमिर शहजाद और दीगर बहुत से नातख्वां हजरात ने भरपूर शिरकत के साथ गुलहाय अकीदत निछावर किए। प्रोग्राम में नकाबत के फराइज हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कबीर सिद्दीकी ने सरंजाम दिए। नामसाइद मौसम के बावजूद महफिल के भरपूर और आलीशान इंतजामात मेजबानों की कल्बी मोहब्बत के आकाश थे। इख्तितामी दुआ और खिताब कलंदर जमा पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत किबला पीर शेर रब्बानी असद ने फरमाया। प्रोग्राम में किबला पीर फजल रब्बानी जाहिदी एक सानहा इरतिहाल की वजह से शिरकत न कर सके, जबकि जानशीन हुजूर शेखुल आलम हजरत किबला पीर मोहम्मद नूरुल आरिफीन सिद्दीकी जाती मसरूफियात के बायस शिरकत न कर सके। महफिल के इख्तिताम पर जुमला मेहमानों की जियाफत में अजीम शान लंगर के साथ तवाज़ो की गई। महफिल में आने वाले तमाम रास्ते खूबसूरती के साथ सजाए गए थे। इंतजामिया मीलाद कमेटी मोहल्ला चौधरियां अपनी ड्यूटी बहुसन खूबी सरंजाम दे रहे थे। तमाम इंतजाम साहबजादा अल्लामा मोहम्मद कबीर सिद्दीकी फैज याफ्ता दरबार आलिया नहरिया शरीफ ने किए। अवाम डन्ना और दीगर मेहमानों ने अल्लामा मोहम्मद कबीर सिद्दीकी को खराज अकीदत पेश किया। जी समीउल्लाह नूरानी तफसीलात बता रहे थे, शुक्रिया आपका। तो आइए आपको दिखाते हैं महफिल मीलाद के कुछ मनाजिर। Yeah.
लेकिन हक तो मेरा भी है, हक तो मेरा भी है रहमत कर गाजा करना, मुझ पे भी चश्मे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे हैदरी ताजदारे हक नबूवत ताजदारे हक नबूवत जिंदाबाद की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा नबी की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा हजरत जीवकार आज की इस बजन के मेहमान खतीब खतीब अहले सुन्नत फखरे अहले सुन्नत सैयद उस्तादात फखर उस्तादात आले नबी औलादे अली पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब आप तशरीफ ला चुके हैं। दिल की अमी गहराइयों से आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आपके साथ एक अजीम नाम अजीम मद्दा है हबीब आलमी शोहरत याफ्ता सनाखारे मुस्तफा कारी मोहम्मद रुखसार रहमान चिश्ती साहब जो कि इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं। दिल की अमी गहराइयों से आपको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। स्टेज की जीनत है कारी अब्दुल वहीद साहब दिगर उलमा जितने भी स्टेज की जीनत है। दिल की अमी गहराइयों से सभी अहबाब को मैं نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد يصب صعب ليتنا ولا جسيم قسيم نزيم لازم منازم
ولا مناظم له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن سيدنا وسيد سعاداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لدفاتنا نورنا ونور ديننا ونور دنيانا أولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ملجأنا ومأوانا آلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه عبادت سمجھ کے درود پاک سبھی حضرات پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وہی لا مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں منظم شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فی غیر منقسم صلی اللہ علیک یا ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی سجی رب العالمین نے طرح طرح کے انعامات سے نوازا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے کسی نعمت پر بھی احسان نہ جتلایا لائق عزت و احترام جمیع علماء عظیم احتشام مداحان حبیب نظم و نثر کی صورت میں میرے سر کے تاج بلکہ ہم سب کے سروں کے تاج جمیع علماء عظیم احتشام رب العالمین خدمت دین کی توفیق سبھی کو نصیب فرمائے
जिनकी विसादत से मैं यहाँ पहुँचा, मेरी मुराद मोहतरम मकाम खतीब अहले सुन्नत खतीब मुक्तदा जिबला हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद कबीर साहिब सिद्दीकी नक्शबंदी दामत बरकातुहुम अलिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जमी हजरात का यहाँ आना कबूल फरमाए। ये जो खूबसूरत बज़्म मोहब्बत सजी है, मोहतरमुल मकाम मोहतरम चौधरी गाजी मोहम्मद बशीर साहिब, उनकी वालदा मोहतरमा मरहूमा मग़फूरा, उनके इसाले सवाब के लिए और मोहतरमुल मकाम क़िबला साहिबजादा कारी मोहम्मद कबीर साहिब सिद्दीकी, इनकी दादी जान और मोहतरम मरहूमा मग़फूर चौधरी काला खान साहिब की चौधरी काला खान साहिब उनकी अहलिया मोहतरमा मरहूमा मग़फूरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन भाई साहिबा को जन्नत में आला इल्लियीन में दराजात में बुलंदियां नसीब फरमाए और ऐसा साउंड सिस्टम अल्लाह ताला कारोबार में बरकत अता फरमाए। पहली बार यहाँ पे हाजिरी रब्बुल आलमीन दूर नज़दीक से मेरे समेत हम सब का आना कबूल मंजूर फरमाए और हमारे लिए इस बज़्म मोहब्बत को जरिया निजात बनाए। मुख्तसर से वक्त में दो चार बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तिलावत करता आया मुकद्दसा जो मौजू मेरे जिम्मे लगाया गया माँ बाप की अजमतों के हवाला से, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको वालदेन के साथ उसने सलूक की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यसअलूनका माज़ा युन्फिकून। महबूब आपकी बारगाह में लोग आएंगे मफहूम आए मुकद्दसा का, आपकी बारगाह में लोग आके सवाल करेंगे माज़ा युन्फिकून के माल कहाँ पे खर्च करें। जाहिर है किसी को मेरा रब अमीर रखता है, किसी को गरीब रखता है, कोई सारी जिंदगी मोहल्लों में फख्र करता रहता है और कोई सारी जिंदगी झोपड़ी में गुजार देता है, लेकिन चूंकि हैं मोमिन साहिबान ईमान मुसलमान, इसलिए चाहे वो अमीर रखे चाहे गरीब रखे, जिस हाल में भी रखे बंदा है मोमिन की ये शान है और ये बंदा ए मोमन की अजमत है कि वो ना तो अमीरी में रब को भूलता है ना गरीबी में बार बार शिकवे रब की बारगाह में लाता है कि या अल्लाह उसे तूने दिया है मुझे तूने दौलत से नहीं नवाजा, उसके पास गाड़ी है मेरे पास गाड़ी नहीं, उसका बंगला है मेरे पास झोपड़ी तूने मुझे दिया ना। मोमिन जो है मान जो लिया है आप बंदे का ईमान है बंदा ए मोमिन का के मालिका जानता हूं मैं देने वाली जो तेरी जात है तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, मालिका तू तो बेहतर जानता है ना। हम अपने यार को तब बताते हैं जब बता देते हैं तब बाखबर होता है, लेकिन मालिका तू तो जानता है मैंने किस को किस जा पे रखा है किस मकाम पे रखा है, इसलिए हम अमीरी में भी तुझे भूलते नहीं है, हम गरीबी में भी शिकवा नहीं लाते, बल्कि बंदाए मोमिन अमीर हो या गरीब हो हर हाल में कहता है मालिका जिस हाल में तू रखे। अल्लाह सुभान अल्लाह फिर यार जिंदा मुलाकात बाकी जिस हाल में तू रखे वही हाल गरीब तंग दस्ती में रखे या खुशहाली में रखे चाहे झोपड़ी में रखे चाहे मोहल्लात में रखे चाहे अमीरी में रखे चाहे गरीबी में रखे चाहे परेशान हाल रखे चाहे हर वक्त हमें खुशहाल रखे चाहे बीमार रखे चाहे तंदुरुस्त रखे ईमान रखते हैं तभी तो पपांगे दोहल दोहल तन्हाई में भी मजने में भी ऐलान करके कहते हैं जिस हाल
रखे वही हाल तुम्हारा है, बस इतना तो मुझे कह दे कि तू बंदा हमारा। अल्लाह हु अकबर कबीरा कुर्बान दे। रजपाल नबी के गुलामों इसलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया यस अलूनका इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू। ये कहना बड़ा आसान है कि गरीबी में भी कोई शिकवा नहीं करता, लेकिन पूछो उससे ना जो गरीबी में हालत जार गुजार रहा है, उस नहज पे आके अपनी जिंदगी बसर कर रहा है और शिकवा फिर भी नहीं लाता। अमीरी में गरीबी में अल्लाह अकबर हम भूलते नहीं, ऐलान यही है, मगर अल्लाह अकबर कबीरा रोगां विचों गरीब को ते पूछ रोगां विचों ए रोगे है दादा ने फरमाया महबूबा तेरी बारगाह में लोग आएंगे माल महबूबा कहाँ पे खर्च करें। अब तवज्जो रख लिया मैं टू दी पॉइंट बात, पैसे हर बंदा खर्च करता है, हर बंदा कोई 10 रुपए कोई 10,000 कोई लाखों की तादाद में, लेकिन महबूबा तेरी बारगाह बड़ी अजीम बारगाह, चाहे दुनिया चाहिए चाहे दीन चाहिए, बारगाह नाज तेरी बारगाह हमने बना दी और ऐलान भी कर दिया है फला तनहर कोई सा भी शायल बन के आए, शांति ये है बन के मंगता आए, छिड़कना नहीं अता किए जाना है, अता किए जाना है। महबूबा लोग जब आके पूछे माल कहाँ पे खर्च करे, तो अल्लाह हु अकबर कबीरा हजरत अमर बिन जहदु जमूर सहाबी रसूल ने आ गए नबी की बारगाह में, बड़े अमीर बड़े कबीर सोनिया माल मेरा है दिल भी मेरा है, जहाँ पे चाहू खर्च करो, हर बंदा यही चाहता है, जब दिल आए तो चाय पी ले, दिल आए तो इजी पैसा करवा ले, दिल आए तो अकाउंट में जमा करवा दे, पैसे मेरे हैं दिल मेरा है खर्चा मेरा है, जहाँ चाहू खर्च करो, मगर जिस दिल में यार सोना बसता हो, जिस दिल में आमिना का लाल रहता हो, फिर अपनी मर्जी दिल नहीं करने देता, फिर दिल भी सदा देता है, करना वही है जो यार की मर्जी आए। अभी रसूल कमली वाले की बारगाह में सोनिया माल पड़ा दौलत बड़ी रब ने मुझे नवाजा है, आपसे पूछने आया हूँ कहाँ पे खर्च करूँ, जी चाहता है खर्च करूँ लेकिन माल कहाँ पे खर्च किया जाए। मेरे महबूब बोले नहीं, इतने में जिब्रील आ गए, ये खुदा लेके आ गए, सोना रब का सलाम भी है साथ में पैगाम भी और जवाब भी इनायत बना दिया है। हुक्म फरमा फरमाया सोनिया तू बोल, इसमें भी ना एक राज है तू बोल, लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाहता, वक्त मुख्तसर है सोनिया तू बोल, या अल्लाह आप ही बोल, अल्लाह तू भी कुदरतों का मालिक है ना खुद बोल। फरमाया नहीं ना, हमारी शान कहां बंदू की जान का, तू गुजा मन गुजा, हम तो बुलंद हैं अकबर हैं हम, और बंदूक की जो ताकत हैसियत कैफियत ही नहीं, खुदा हो के मैं कलाम करूं ना कमाली का, फिर फरमाया या ना पैगाम तुझे दे रहा हूं ना, कौन तक पहुंचा पता चला, जब खुदा खुदा हो के हम तक पैगाम नबी के जरिए से पहुंचाता है, ओ बंदाए खुदा तू इतना तो समझ लेता, डायरेक्ट रब्ता न किया कर खुदा से, शायद तेरी बात जब बात मनवानी हो तो फिर जरिया सोना यार को बना, रब यार।
समझ आई हो बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है बात, गल समझ आ रही है, सोना तू बोल या अल्लाह हुक्म फरमा। फरमाया कुल मा अनफक्तुम, सोनिया इनसे ऐलान कर दो या अल्लाह हुक्म फरमा। फरमाया मा अनफक्तुम, जब तुम माल खर्च करना चाहो, मा अनफक्तुम मिन खैर फलिल वालिदैन। ये कुरान है, ये आयत है, ये रिवायत नहीं कि कोई बंदा उठ के कह दे नहीं जीरे ते ज़ईफ है, ये हसन नहीं, ये सही नहीं, ये जनाबे वाला मुत्तफ़क गए नहीं, ये जी ये हदीस का ये रावी जनाबे वाला सारा कमजोर है, ना ना ये रिवायत नहीं, ये रब का कुरान है, वरना पेश किया जा रहा हूँ। अगर तुम माल खर्च करना चाहो हो भलाई के कामों में, सबसे पहले अपनी माँ पे खर्चा करना, अपने अब्बा जी पे खर्चा करना। मिन खैरिन फलिल वाली, सारे बोलो मिन खैरिन फलिल वाली दैन फलिल वाली। اے سارے جڑے فرما بردار ہو گئے اور اللہ کرے سارے فرما بردار ہو انشاءاللہ ہیں جی اللہ کرے جے کو گتا ہی ہے تا ہن اج جا کے پھر گتا ہی نہیں رہنی چاہیے ان خیر پلین والدین فرمایا ماں باپ پہ خرچ کرو شاہ جی پھر میں نے تو 10 مسجدیں بنائی ہیں اور مدرسے میں 2 لاکھ روپیہ بھی دیا ہے یہ پچھلے دنوں بھی 4-5 دن بھی نہیں ہوئے اور بڑے غریبوں کو پیسے دیے بڑے یتیموں کو وہ سیلاب زدگان کو کروڑوں میں نے خرچ کیے تو ثواب تو ملے گا نا میں آکھیا بالکل ثواب ملے گا اگر امی خوش ہے بالکل ثواب ملے گا اگر ابو جی خوش ہے شاہ جی پھر جنہیں مسجد بنائیاں میں تقریر جمان نہیں آیا پتہ نہیں کتنے ملکوں میں سنی جا رہی ہے لیکن سید کو پیغام دینے آیا ہے رب کرے تیرے دل میں اتر جائے اللہ اکبر نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پڑھتے ہیں نا تلاوت کرتے ہیں نا سب کچھ کرتے ہیں نا لیکن بابا اگر امی ابا ناراض ہیں تے تینوں کرن دا کوئی فائدہ نہیں اے ٹائم نہیں نا میرے کول لیتا جی سب پیش کرا دا قرآن دا مفہوم پیش کرا وقت نہیں نا لہذا یہ مستند سے جس جو بات کی جا رہی ہے توجہ سے سنو کیوں فرمایا کہ اگر صدقہ خیرات کرنا ہے یتیموں کو دینا ہے غریبوں کا پلہ بننا ہے جتنے غریبوں جتنے مسئلے جتنے مدارس کو کسانا ہے فرمایا سب بعد میں پہلے اپنی ابا فرما بردارو او تا خوش ہو تے جڑے امی ابا دے نا فرمان مینوں کہ لوڑا انہاں نو آکھن دے کہ تسی سبحان اللہ ہو تسی چپ ہو جنہاں نے امی ابا راضی ہو بولو سبحان اللہ نہیں نہیں میرا مخاطب بھی ماں باپ کا فرما بردار ہے کیوں اس لیے کہ امی ابا راضی ہیں کائنات دا خدا بھی راضی ہے رب دا یار بھی راضی ہے جی اے تے لیجے سبحان اللہ دی اچھی جی سبحان اللہ اپ دا بعد ان کو ہے نا بولو بے شک لیکن اچھا بولا فی الحال میرا حق کا سفر آسان ہو جائے محمد اللہ سبحان اللہ فرمایا رب العالمین نے کل مال وقت من خیر فللوالدین فرمایا ماں باپ کو پہلے خرچہ کرو مسجد بعد میں مدارس بعد میں غریب بعد میں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے جتنے بال آپ کے نیچے آئیں گے اتنا ثواب ملے گا لیکن بعد میں کیونکہ یہ حدیث نہیں اس کے رب کا قرآن ہے اب قرآن سن میں خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین جتنے بھی قریب ہیں جتنے بھی یتیم ہیں یہ سارے اخراجات بعد میں تھے اگر رب رسول کو راضی کرنا ہے پہلے ماں باپ کو راضی کر کائنات کا خدا راضی ہو جائے اللہ اس لیے کھڑی والے بابے آپ نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی قدر جانو کیا اللہ اکبر فرمایا قدر والے جانتے ہیں اس لیے جناب والا ان کی عظمتوں کو سراتے ہوئے فرمایا باپ ہے یارو باپ ہے یارو کلمہ والا کلدہ
بلال استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ہاشم القادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ ہماری نظم کے رونق بنے رب العالمین مزید جولانی عطا فرمائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین بات سمجھ میں آ گئی اب توجہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ادھر میری طرف دیکھو ماں اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں علیحدہ علیحدہ ارشاد فرماتے ہیں فرمایا من زار قبر ابوی او احدہما الى آخره فرمایا جو بندہ بھی جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور فقرا عندہ یاسین قبر کے پاس کھڑے ہو کے پھر جناب والا قبر کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ اکبر لجپال نبی کے غلاموں میرے سونے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے حروف یاسین سورت کے ہیں ہر حرف کے بدلے میں رب العالمین مغفرت کا پروانہ دے پڑھنے والا بھی بخشا جا رہا ہے جن کے لیے پڑھی جا رہی ہے وہ بھی بخشا جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہی کمال ہے یہی بات ہے کہ ہم جناب والا ہر بات کو تول کے نہیں رکھتے نہیں جی پھر یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ افضل ہے یہ ضعیف ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے نا نبی علیہ السلام کا فرمان ہونا چاہیے مومن بندہ دل میں ایمان ہو دل سے تصدیق کرتا ہے ہاں ہاں سونا اگر تسا فرمایا تے اسا سر تن من تک قربان کر کیوں کہ ہر بندہ مومن کی یہ عظمت ہے یہ شان ہے کہ وہ دل سے ایسے مانتا ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن دعائیں قبول ہوتی ہیں شاہ جی یہ پریشانی ہے شاہ جی یہ پریشانی ہے پریشانی تب ہے کہ والدین کی بھی غلطی یہ ہے کہ وہ تربیت سے ادھر نہیں کرتے تربیت ہماری اس طرح کی ہوگی کہ اس وقت تک بچہ سوتا ہی نہیں جب سکول جاتا ہے سکول سے آتا ہے پھر جناب والا ٹیوشن پہ ٹیوشن سے آتا ہے پھر جناب والا ہوم ورک بیٹا کر لو اب ہوم ورک بیٹا کر کے پھر سو جاتا ہے ہم نے تربیت کب کرنی ہے اس کی ٹوٹل ٹی وی ٹی پڑھنی ہے اس نے اے بی سی ڈی پڑھنی ہے ہم تو یہ فرق کرواتے ہیں یہ پہچان کرواتے ہیں کہ اے بیٹا یہ بڑا اے ہے یہ بڑا بی ہے اور یہ چھوٹا اے ہے یہ چھوٹی بی ہے یہ فرق کرواتے ہیں نا بچوں کو تو ہم جب جناب والا کبھی یہ بھی فرق کروایا کہ یہ تا ہے یہ تا ہے یہ موٹا قاف ہے یہ باریک کاف ہے یہ با ہے یہ جیم ہے یہ ہا ہے یہ خو ہے کبھی یہ پہچان کے کرائی نہیں ہم نے قرآن جو ہمارے مسلمانوں کی تعلیم تھی اسے تو پسے پشت جان رکھا ہے اور ہم نے بچے کو سوتے نے جاگتے نے بیدار ہونے میں سلانے میں سب سے میں تو انکار نہیں کر رہا عصری تعلیم بھی پڑھانی چاہیے دور حاضر کی ضرورت ہے انکار نہیں لیکن ذرا تربیت بھی تو دیکھو نا سوتے میں بچے کو ٹوٹل انگریزی کا سبق ہم نے دیا صبح جب بیدار کیا تو پہلی صدا دی بیٹا اٹھو سکول جانا ہے کاش تو نے بچے کو یہ کیا کہ جگایا ہوتا بیٹا اٹھو نماز فجر نے فرمایا من قبل بین عینی امه من قبل جو بندہ بھی من قبل بین عینی امه کان لہ سدر من النار سونے نا
नबी ने इरशाद फरमाया, फरमाया जो बंदा भी अपनी माँ के दोनों आंखों के दरमियान बोसा देता है, अपनी माँ के माथे को चूमता है, फरमाया इतना उसने चूमा है कल कयामत के दिन जहन्नम में जाते हुए अगर वो जहन्नमी बन गया, जहन्नम के आगे ये माँ का माथा चूमना उसके आगे हिजाब बन जाएगा। समझ आई है कोई नहीं? और आया प्यार से तूने माँ के माथे को चूमा है जी, ये हमारी अम्मी की बात हो रही है, ये नहीं बोलता हज पढ़ती है या नहीं पढ़ती, नमाज पढ़ना जानती है या नहीं जानती, बिरयानी बना सकती है या नहीं सकती, तेरे लिए वो जन्नत है। मुस्कुरा के एक बार सवाल, तेरे लिए वो क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जमीरा कुर्बान जाए, तेरे लिए वो जन्नत है अल्लाह अकबर। इसलिए फरमाया चूमना तेरा काम जहन्नम के आगे हिजाब बन जाएगा, आड़ बन जाएगा। बात क्या अजमतें हैं माँ, तुझे प्यार दिया जाए, माथे को चूमा जाए, जहन्नम से बंदा बच जाए, तुम्हें और अजमतें तो बयान वक्त नहीं है, नहीं करना चाहता, इतना कहना चाहता हूँ कि अजमतों की सुनावा माँ दिया अजमतों की, मिलके फरमा बरदार, मिलके मोहब्बत से कह दियो अजमतों की सुनावा, अल्लाह करे तर जाओ तार दिया इमाम कुशैरी रहमत अल्लाह फरमाते हैं कि मैं छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा 6-7 साल उम्र थी ना, इमाम कुशैरी रहमत अल्लाह करे आप मुझे ही देखे और तार दिंदिया ने दुआ माँ दिया, इससे एक बात याद आ गई जल्दी से टू दी पॉइंट पर, 6-7 साल उम्र है और अम्मी की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे अम्मा एक ही बेटे हैं और घर में माँ है और दोनों प्यार मोहब्बत माशाल्लाह, क्या बात है उस बेटे की कि जो माँ बाप से मोहब्बत करता है, किस्मत है जी, ये किस्मतों की बात है, रब जिसे चुन ले, बड़ी मोहब्बत है और माँ का एक ही तारा है और घर का उजाला, बेशक पुत्र ठंड अखियां दी घर विच करनी उजाला, पर नालो बद के मैनो हालिया जुल्फा। अम्मी जी मैं दर्स पढ़ना चाहता हूँ, मैं जाके नबी का दीन पढ़ना चाहता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम का। अब माँ ना खड़ी है और माँ सोचने लगी अगर इजाजत देती हो तो बेटा जुदा हो जाता है, टेलीफोनिक का जमाना नहीं, बेटा जुदा हो जाता है और मैं तो एक लम्हा भी इसके देखे बिना रह नहीं सकती, और अगर इनकार करती हूँ तो छोटा सा दिल टूट जाता है, करूँ तो क्या करूँ, माँ है ना माँ, अल्लाह अकबर। लेकिन फरमाया कि जुदाई सह लूंगी कहीं बेटे का दिल ना टूट जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए माँ दे दिल नरम गुलाबों से जुदाई, पुत्रा दे लख ऐब छुपाओ कदे न करे बुराई। मानिका ठीक है बेटा जा, मेरे नबी का दीन सीख, अल्लाह अकबर। ये इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह आप ना किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, किसी मदरसे में नहीं पढ़े, किसी मदरसे में बोलो सारे, किसी मदरसे में, किसी स्कूल में नहीं कहते जो जल्दी जल्दी, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में नहीं पढ़े, लेकिन 1000 किताबें मुसन्निफ तार ने और वहां जय मां ने कहा ठीक है बेटा जा नबी का दीन पढ़,
अब अल्लाह अकबर बेटा तैयार हो के जब रात गुजरी सुबह सवेरे की पौटी बेटा तैयार हो के दो संगियों को साथ लेके चल पड़ा। अल्लाह अकबर माल विदा करने आई माँ जब तहलीज पे मैं अलविदा बच्चे को करती है कोई फौज में जाता है कोई बैरूनी मुल्क में जाता है कोई काम करने जाता है आप गवाही दो के जब माए अलविदा बेटों को करने आती है बड़ी देर तक रोती रहती है बड़ी देर तक बेटे की राहें देखती रहती है। अब जनाबे वाला इमाम कुशेरी आपको अलविदा करने चलिए जब माँ आई माँ घर के सेल में खड़ी पीछे जनाबे वाला पकड़ के खड़ी है उस कोने के करीब बेटे को देख रही है बेटा जा रहा है माँ की हिचकियाँ बंद गई माँ रोने लगी आंखों से आंसू लेकिन इतनी आवाज से नहीं कहीं बेटे को पता न चल जाए अगर बेटे को पता चल गया मुड़ के आ जाएगा मैं नहीं चाहती कि बेटा दीन से फिर के आ जाए नाना जा बेटा जा जा खुद दिल पे पत्थर रखा आंखों से आंसू जारी हिचकियाँ बंद गई रहा ना गया अकबर कभी रम्मा दौड़ के आई वुज़ू किया मुसल्ला बिछाया मुसल्ला बिछा के कमरे में आके सजदे में सर रख के कहती है ओ लिली छन वाले ओ कायनात अपरहारा तू तो जानता है ना मैं अपने बच्चे से कितना प्यार करती हूँ मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ ऐ मेरे अल्लाह मैं तो बुलाया नहीं लेकिन तू कुदरतों का मालिक है कोई ऐसी बात हो जाए मेरा बेटा वापस आ जाए मेरा बेटा पलट के आ जाए। इमाम कुशेरी फरमाते थे 7 साल की उम्र में मैं आगे बढ़ा कज़ाए हाजत के लिए गया मेरे कपड़े खराब हो गए दिल में ख्याल आया खराब कपड़ों के साथ क्या नबी का दीन पढ़ने जाऊं घर करीब है जरा कपड़े बदल के आता हूं ठीक ठाक हो के आता हूं मैं वापस पलट के आया देखता हूँ माँ का सर सजदे में और आहो जारी जारी है और जुबान से की सताए बेटा शरीफ फरमाते हैं मैं माँ के कदमों में गया और अर्ज करने लगा अम्मी चुप हो जाओ बेटा आ गया है बेटा आ गया है। माँ ने सर उठाया और फरमाया बेटा तू गया नहीं कहा अम्मा मैंने कोई नहीं जाना मैंने दर्श नहीं पढ़ना है बेटा बचा क्या लोग ताने देंगे कहा नहीं अम्मा तुझे नाराज करके तेरा दिल दुखा के मैंने दीन पढ़ने नहीं जाना मैंने तरसने नहीं जाना। अल्लाह अकबर बेटा लोग क्या कहेंगे अर्ज करता है अम्मी लोग ज्यादा से ज्यादा जाहिल कहेंगे निखट्टू कहेंगे माँ का गद्दार तो नहीं कहेंगे वफादार ही माँ माँ ना फिर बात खत्म हो गई माँ माँ ना माँ के फिर हाथ उठ गए हाथ उठ गए माँ के फिर जब माँ के हाथ उठे ना तो पूरा खुश आज किया ओ मालिका देख कितना प्यार है देख कितनी मोहब्बत कर जाए मुझे खुश रखने के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी मालिका अगर इस माँ की तुझे कोई जिंदगी में अदा पसंद आई है उस अदा का वास्ता मेरे बेटे को इल्म की दौलत से मालूम माल कर दिया जाए। अब काम तो उसने कर लिए थे। चंद दिन गुजरे रात को सोए अल्लाह अकबर ख्वाब में आया एक बाबा जी आए कहा दरिया के किनारे आ जाना अल्लाह अकबर साथ ही दरिया के किनारे चले गए एक बाबा जी पढ़ाते रहे 1 साल 2 साल 3 साल तक पढ़ाया बोलो सारे कितने साल तक सारे बोलो कितने साल तक टोटल 3 साल तक पढ़ाया और इतना बड़ा जमाने का इमाम बन गया कि 1000 किताबों के मुसन्निफ इमाम कुशेरी जिनकी एक किताब का नाम है रिसाला कुशेरिया रिसाला ए अज जाके तुसा लवो ते घर विच रखो ते जादू टोने दी महफूज रस इतना बड़ा इमाम के दाता नगरी दाता अली हजबरी सिंधु का बादशाह वो
वो भी जमाना नहीं दे पाया, फिर भी कहता है उस्ताद इमाम को शहरी, और जिसे दादाजी अजमेरी उस्ताद कहे, बड़े बड़े औलिया जिसे अपना उस्ताद कहे उसे इमाम को शहरी कहा जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 साल तक पढ़ाया और फिर जब 3 साल के बाद वापस जाने लगे ना, तो कहा बाबा जी अपना नाम तो दसी जाओ, पढ़ाते रहे हो तो मैं पूछा भी नहीं तुम है कौन हो, कहा कि हमें खिजर अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अल्लाह हमें आए हाय हमें खिजर कहा जाता है। 3 साल में इतना बड़ा जमाने का इमाम बना दिया कुशहरी, इतना तो बताओ ये कैसे कमाल हासिल किया। मदरसा में नहीं गई, कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं, कमाल कैसे? उन्हें क्या तार दंदिया ने को आवा दिया, तार दंदिया ने तो आवा। सारे पहले तो रस्ते तू आवा देना जाके तार दंदियां थोड़ा गुनगुना लो, तार दंदियां। इसलिए अल्लाह चाहनी है, शाने चाहनी है, चाहे कब्र में, चाहे हशर में, चाहे दुनिया में, तो सैयद है कि जुमला कहना चाहता है तुझे अजमत मिलेगी, तुझे रिफत मिलेगी, चाहे आलम में बरसक है, आलम में दुनिया है, आलम में हशर है, इज्जत बनना चाहता है तो इज्जत पे हयाई अंदर नहीं, इज्जत फहाशी अंदर नहीं, इज्जत ताश लुटाने में नहीं, इज्जत पैसे उतारने में नहीं, इज्जत फजूल खर्ची में नहीं, इज्जत कालमे नबी की गुलामी में सीधे इज्जत आज भी नबी की ताजदारे खत्म नबूवत उजी वाला ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। आखिरी अकीदा दे रहा हूं, हमारा इश्क का रिश्ता है उस कबीले से, हमारा इश्क का रिश्ता है उस कबीले से जहाँ कटे हुए सर भी कुरान पढ़ते हैं। बलागुल मुबीन 40 मिनट मेरा टाइम था और 41 मिनट हो गए, 1 मिनट को खूबसूरत पैगाम मोहब्बत हमारे सामने पेश किया। स्टेज की जीनत बने हैं उलेमाए किराम, बिलखुसूस सरमाया अहले सुन्नत, अजीम आलिम दीन उस्ताद और असातिज़ा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिम खान कादरी साहब, आपको मैं दिल की अमीर गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मीरपुर से तशरीफ लाए हैं कलाकारी दाऊद अहमद मुजद्दी साहब, कारी मोहम्मद इफ्तिखार साहब, कारी मोहम्मद सफीर कमर सादरी साहब और जनाब कारी मोहम्मद खलील साहब, दीगर की अमीर गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। गड़ाला से काफले की सूरत में हमारे पास तशरीफ लाए हैं, हम इनको भी अमीर गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मेरे जब तक के जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, और कुछ रहे या कुछ रहे या रहे ये तुम्हारे नजा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे, नजा के वक्त सलामत मेरा ईमान। महफिल है ये आका की, क्या खूब नज़ारे हैं, महफिल ये आका की, क्या खूब नज़ारे हैं, कुछ पर तू अता का
हम मंगते तुम्हारे शम्सुलौलिया शम्सुल खुतबा हुजूर ख्वाजा खाजिगा हुजूर ख्वाजा पीर मोहम्मद शम्सुल आरिफीन नक्शबंदी गजनवी ज़ेबे सज्जादा रशीद आस्तारे आलिया नहरिया शरीफ आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा अल्लाह की सलाम में इस्तकबाल कीजिए अल्लाह 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 अल्लाह। इन हजरात से उम्मीद करता हूं कि जो ये मेरी हौसला अफजाई करेंगे रुखसार साहब अल्लाह सलामत रखे। लोग कहते हैं दरूद पढ़ो तो एक गल में और भी बारिश हो रहा है सीधी सीधियां गल्ला करना होना मैं लपेटी तो गल्ला नहीं कर देती। इस फकीर ने एक जुमले एक जुमले की अपने मीजान अकल पर बेशक तोलने लिया कि क्या पाना पे आना। लोग कहते हैं दरूद पढ़ो जब दरूद पढ़ने की बारी आए तो सिर्फ कारी ख्याल में आता है। मैंने इतने दानिश की तवज्जो चाहिए अल्लामा अली अकबर साहब जब आप कहो ना कि दरूद पढ़ो तो सिर्फ पढ़ने वाला तसव्वुर में आता है बस बात मुकम्मल हो जाती है कहने वाले का मुद्दा पूरा हो जाता है। इसलिए मैं महाफिल में कहा करता हूँ नहीं कहा करता कि दरूद पढ़ो मैं कहा करता हूँ कि ओ सुनियो दरूद सुनाओ। नहीं बात समझ जिनको समझ आई है वो बोल पड़े हैं जिनको नहीं समझ आई असर मुसीबत है कि ना कि घरे घुंगरू ना समझाना पेना घरे घुंगरू वाले ऐसा नक्शबंदी आई नहीं तो चश्तियाँ की नाराज होने जरूरत नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि आओ दरूद सुनाएं। जब आप दरूद सुनाने की बात करते हैं तो फिर दो शख्सियतें तसव्वुर में आती हैं दो वजूद तसव्वुर में आते हैं एक सुनाने वाला एक सुनने वाला एक सुनाने वाला और एक सुनने वाला। अब सवाल यह है कि सुनाने वाला तो पढ़ रहा है ये सुनने वाला कौन है ये सुनने वाला कौन है वसूल करने वाला कौन है ये सुन कौन रहा है। तो सबसे बड़ी जात तो अल्लाह की है और मैं उम्र कहा करता हूं मेरी बात पे किसी ने नाराज नहीं होना मैं अपनी अकीदे की बात कर रहा हूं। मैं कहा करता हूं कि जितने तौहीद के अलमबरदार हम हैं मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा। वक्त कम है काश के वक्त थोड़ा होता तो मैं आपको अपने ख्यालात आपके सामने रखता। तो अर्ज ये करना चाहता हूं सबसे बड़ी जात सुनने वाली तो अल्लाह की है लेकिन जब दरूद पढ़ा जाता है तो क्या होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे काम करने का हुक्म दिया है सिर्फ दो काम ऐसे हैं जो रब फरमाता है मैं भी करता हूं तुम भी करो। सिर्फ दो काम ऐसे हैं जो रब फरमाता है मैं भी करता हूं तुम भी करो और कौन सा रब अब मैं आपको बताऊं कौन है अल्लाह वो जिसकी ना जात में कोई शरीक ना सिफात में कोई शरीक ना मर्जी में कोई शरीक ना मंशा में कोई शरीक ना मशवरे का मोहताज ना फैसले का पाबंद। अरे हम फैसला करें तो सोचे नतीजा क्या निकलेगा रब फैसला भी अपनी मर्जी का करता है नतीजा भी अपनी मर्जी का निकाल लेता है वो है अल्लाह वो है वहदहू ला शरीक अल्लाह। अल्लाह उसे कहते हैं जो फैसला भी खुद करे नतीजा भी खुद निकाले मछली के पेट में जो चीज जाए जो रब का हुक्म है इसे हजम करके मछली की गिज़ा बने ये है अमल मगर नतीजा जब रब निकालना चाहता है यूनुस पेट की मछली में जाए मछली के पेट में जाए तो रब फरमाते अब गिज़ा नहीं बनाई संभाल के रखना है। इसीलिए ये फकीर कहा करता है एक है दस्तूर एक है कानून फितरत एक है दस्तूर मोहब्बत। कानून फितरत ये है कि वो दरिया जब तू बिफर जाए तो मेहरान हो या बलोचिस्तान हो अमीर का महल हो करोड़ों का होटल हो या चंद टकू की झोंपड़ी हो दरिया जब तू बिफर जाए तो यकसान मिटा के रख देना ये कानून फितरत है मगर वो दरिया याद रख
लाठी मूसा तो नहीं चला रहा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तैयार रखना, कहीं लाठी मूसा तो नहीं चला रहा। अगर मूसा चला रहा है तो फिर कानून फितरत नहीं चलेगा, अब दस्तूर मोहब्बत चलेगा। कानून फितरत नहीं चलेगा, दस्तूर मोहब्बत चलेगा। तो कानून फितरत ये है कि यारों को संभाला जाता है, दुश्मनों को मिटाया जाता है। नहीं कोई मेरा इशारा सुनेगा न समझे तो मैं क्या कर सकता हूँ। यारों को संभाला जाता है, दुश्मनों को मिटाया जाता है। अरे कोई बादशाह लश्कर और सिपाह लेकर आए और तू फटे हुए कपड़े वाले चंद फकीर लेके निकले, तुझे मैं संभालूंगा, उसे मिटाऊंगा, क्योंकि यार मेरा जमीन के ऊपर हो या अंदर हो मैं संभाला करता हूँ। बातें समझ में आ रही है? कोई पता चल रहा है मेरी बातों का कि नहीं पता चल रहा है? तो वो अल्लाह वहदहु ला शरीक ज़ात है, उसने कहा दो काम ऐसे हैं, हर काम के करने का हुक्म है। नमाज तुम पढ़ो, रोजा तुम रखो, कुरान तुम पढ़ो, ज़कात तुम दो, ज़कात तुम दो, खैरात तुम दो, रोजा का ख्याल तुम रखो, गरीब का ख्याल तुम रखो, फकरे कपड़े पाक तुम रखो, जिस्म पाक तुम रखो, हयात तुम अपनाओ, लिहाज तुम अपनाओ, शर्म तुम करो, गुनाह से तुम बचो, मगर दो काम ऐसे तुम भी करो, मैं भी करता हूँ। तुम भी करो, मैं भी करता हूँ। वो दो काम क्या है? एक मैं पहले बताता हूँ, वो ये है कि जब अल्लाह किसी बंदे को अपना यार बनाता है तो जिब्रील से कहता है, जा जिब्रील मना नहीं कर दे, फला से मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। फिर क्या होता है जब रब मोहब्बत करता है और ऐलान जिब्रील करता है तो फिर नैरिया का गुमनाम पहाड़ नैरिया शरीफ बन जाए, मोड़े की गुमनाम छोटी मोड़ा शरीफ बन जाती है, कोड़े की गुमनाम बस्ती कोड़ा शरीफ बन जाती है, लाहौर फिर लाहौर शरीफ बन जाता है, मक्का फिर बैतुल्लाह बन जाता है, मदीना फिर हरम नबी बन जाता है। बातें बहुत है, वक्त छोड़ा है, तो फिर मैं हुजूर दुरूद पे आता हूँ। अरे मैं सिर्फ दुरूद पे बोलना चाहूँ तो मैं दो ढाई घंटे आपको सिर्फ दुरूद पे बात सुना सकता हूँ। आपने जो दुरूद पढ़ा मुझे अंदाज अच्छा ना लगा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब दुरूद पढ़ा जाता है, मैंने कहा सुनाओ, सुनने वाले का तायुन करना है, सुनाना तो आप है, सुनना किसने है? तो सुनो, रब फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु। दूसरा काम यह है, एक मेरा हबीब है उस पर मैं भी दुरूद भेजता हूँ, ईमान वाले तुम भी दुरूद भेजो। अब तवज्जो। अरे हमें और आप में फर्क है, हमें और आप में पढ़िए दुरूद पाक सल्लत व सलाम अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सुनिए सुनिए, एक मैं हूँ, एक वो है। तवज्जो, एक मैं हूँ, एक वो है, वो और है, मैं और हूँ। समझो तो ही समझो, वो और है, मैं और हूँ, एक वो है, एक मैं हूँ, वो और है, मैं और हूँ। वो मकान के अंदर आता नहीं, मैं मकान से निकल सकता नहीं, वो जिस्म के बगैर रहता है, मैं जिस्म के बगैर रह सकता नहीं, वो लामकानी है, मैं मकानी हूँ, वो लामहदूद है, मैं महदूद हूँ, वो लाफानी है, मैं फानी हूँ, उसकी इब्तिदा नहीं मेरी इब्तिदा है, उसकी इंतहा नहीं मेरी इंतहा है, उसका जिस्म नहीं मेरा जिस्म है, उसकी आँख नहीं मेरी आँख है, उसकी जबान नहीं मेरी जबान है, उसके टांगे नहीं मेरी टांगे हैं, उसके हाथ नहीं मेरे हाथ है। हमसे मिलो तो हम बताएं शिर्क मिटता कैसे? हम शिर्क को पांव के नीचे रोंद के चला, हम शिर्क को पांव के नीचे रोंद के चला करते हैं। वो और है, मैं और हूँ, वो और है, मैं और हूँ, वो लामहदूद है, मैं महदूद हूँ। मैं इधर देखूं तो इधर नहीं देख सकता, वो इधर भी देखता है इधर भी देखता है, मुझे देखने के लिए मुड़ना पड़ता है, उसे मुड़ना नहीं पड़ता। अब तवज्जो रखो, कान में आता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आ सकता नहीं, मेरे मैं इसीलिए कहा था मेरे जुमलों पे भी नजर रखना, मैंने कहा था मेरे
जुमलों पे भी नजर रखा। मैंने ये नहीं कहा कि वो आता नहीं, वो आज मैंने नहीं कहा कि वो आ सकता नहीं, वो आता नहीं, क्योंकि अगर वो आता है तो फिर ये रहता नहीं। अगर वो आता है तो फिर जहां रहता नहीं, ये नहीं कि वो आ सकता नहीं, वो आ सकता है मगर आता क्यों नहीं, कि अगर वो आता है तो फिर ये रहता नहीं। आया था ना, तू रहा नहीं, आया था ना, तू रहा नहीं, तो फिर हर जगह वो कैसे है? तो फिर सुनो तो ही सुनो, अरे मुझे इतना बता दे मर्तबे दानिश के ताल पर, जो तू को जलाता है वो खुदा कौन सा है, और जो दरख्त खोलता है वो खुदा कौन सा है? बताओ ना मुझे वो खुदा कौन सा है जो तूर को जलाता है, और वो कौन सा है जो दरख्त से कहता है इन्नी अना रब्बुक, मैं तेरा रब बोल रहा हूँ, जो दरख्त से बोलता है वो खुदा कौन सा है, जो तूर को जलाता है वो कौन सा खुदा है? तो सुनो, जो अब सुनो मेरा जुमला सुनो, और किरदार से दिल पे कलम इश्क की जोर से लिख लो, कृपा से दिल पे कलम इश्क की नोक से लिख लो, आंसू की डाल के लिख लो, रोशनी आंखों से डाल के लिख लो, वो जो दरख्त से बोल रहा था वो सबका खुदा है, जो तू को जला रहा था वो मुस्तफा का खुदा है। नहीं बात समझ में आई? जो दरख्त से बोल रहा था वो सबका खुदा है, जो तूर से बोल रहा था, जो उसने तूर जलाया था वो मुस्तफा का खुदा है। अब कहोगे वो क्या मतलब हुआ? वो मतलब ये हुआ कि सिदरा से आगे और कोई गया भी तो नहीं ना, सिदरा से होगे और कोई गया भी तो नहीं ना, तो मैं अर्ज ये कर रहा था वो और है, मैं और हूं, वो मकान के अंदर आता नहीं, मैं मकान से निकल सकता नहीं, सकने में और आने में फर्क है, इसलिए कि मैं बेख्तियार हूं, वो बेख्तियार है, वो मकान में आता नहीं, वो इधर देखे तो मुड़ता नहीं, इधर देखे तो मुड़ता नहीं, वो और है, मैं और हूँ, वो लब मकानी में मकानी, वो जिस्म से पाक में जिस्म वाला, नजर आंखों से पाक में आंख वाला, वो जबान से पाक में जबान वाला, वो जिस्म से पाक में जिस्म वाला, वो और है, मैं और हूँ, सुनो सुनो बीच में एक और है। तुम्हें एक और है जो ना उस जैसा है ना हम जैसा है, जो ना उस जैसा है ना हम जैसा है, फिर वो कैसा है? खुदा की कसम, फिर वो कैसा है, वो किस तरह का है? तो सुनो, मैं अपनी बात मुका के फिर एक वाक्य सुना के अपनी, वो कैसा है ये जुमला नोट रहे, वो कैसा है ये जुमला नोट रहे, इसको मैं यहाँ रोक के बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो फिर वो और है, मैं और हूँ, बीच में एक और है, और देखो जब हम दरूद पढ़ते हैं ना, तो बात मैंने यहाँ से चलाई थी, दरूद रब भी भेजता है, दरूद हम भी पढ़ते हैं, दरूद हम भी भेजते हैं, दरूद वो भी भेजता है, लेकिन हम कब भेजते हैं, वो कब भेजता है? अब सुनिए सुनिए सुनिए, हम कब भेजते हैं, वो कब भेजता है? अब बड़ी तवज्जो की बात, हम जब वेले होते हैं, मजे खाना खा रहे हैं तो दरूद तो नहीं पढ़ सकते ना, वजू कर रहे हैं तो दरूद तो नहीं पढ़ सकते ना, नहा रहे हैं तो दरूद तो नहीं पढ़ सकते ना, अभी मैं तकरीर करूं या दरूद पढ़ूं, एक ही काम करूंगा ना, दरूद तो नहीं पढ़ सकता ना। ये ना कहो कि जब हम वेले होते, वेले जुमराद ये नहीं है कि दरूद पढ़ने वाले वेले होते, मतलब ये है कि दुनिया के कामों से फारिग हो गए तो दरूद पढ़ोगे ना, गिफ्टों से वेले हो गए तो दरूद पढ़ोगे ना, चुगलियों से वेले हो गए तो दरूद पढ़ोगे ना, वजू से वेले हो गए तो दरूद पढ़ोगे ना, नहाने से वेले हो गए तो दरूद पढ़ोगे ना, रोटी से वेले हो गए तो दरूद पढ़ोगे ना। तो माना क्या हुआ, हम जब वेले होते हैं तो दरूद पढ़ते हैं, और उसको दरूद पढ़ने के लिए वेला नहीं होना पड़ता, इसीलिए वो खुदा है कि उसे वेला नहीं होना पड़ता, वो हर वक्त हर काम करता है, हर वक्त हर काम करता है, एक जगह सूरज चढ़ा रहा होता है, एक जगह डुबो रहा होता है, एक जगह मार रहा होता है, एक जगह बच्चा दे रहा होता है, किसी को भूखा रख रहा होता है, किसी को गिजा दे रहा होता है, कहीं सैलाब ला रहा होता है, किसी को मदद पे लगा रहा होता है, कहीं बारिश बरसा रहा होता है, कहीं रोड़ रहा होता है, सारे काम भैया वक्त करता है। फिर मुझे ये बताओ कि कब कहां कहां से नबी पे दरूद भेजता है? डॉक्टर साहब अकेले होते,
तो अर्ज ये कर रहा था कि उसे वेला नहीं होना पड़ता, तो फिर मुझे इतना बताओ वो कहां नहीं, वो कब नहीं, ना कोई घड़ी उसे खाली ना कोई जगह खाली, ना कोई घड़ी खाली ना जगह खाली। वो कहता तुम भी दुरूद पढ़ो मैं भी भेजता हूँ, अब जब हम भी भेजेंगे वो भी भेजेगा तो हम कब भेजते हैं। अरे कोई कहेगा जलसे में ना पढ़ो, कोई कहे मैं महफिल सजा ना पढ़ो, कोई कहेगा यूं ना पढ़ो, कोई कहेगा यूं ना पढ़ो, कोई कहेगा ऐसे ना पढ़ो, कोई कहेगा वैसे ना पढ़ो, मेरे के नमाज में तो कहना पड़ता ना सलाम अलैका या नबी। तो फिर मुझे नमाज की टाइमिंग बताओ, हम जोर पढ़ते हैं, हम जोर पढ़ते हैं, जब हम असर पढ़ रहे होंगे दुबई वाले जोर पढ़ रहे होंगे, जब दुबई वाले जोर पढ़, जब हम मगर पढ़ रहे होंगे दुबई वाले असर पढ़ रहे होंगे, जब दुबई वाले असर पढ़ रहे होंगे सूदिया वाले जोर पढ़ रहे होंगे, जब सूदिया वाले जोर पढ़ रहे होंगे कनाडा वाले फजर पढ़ रहे होंगे, जब हम शाह पढ़ते अमरीका वाले फजर पढ़ते, जब अमरीका वाले फजर पढ़ते इंडोनेशिया वाले जोर शुरू कर देते, वो कौन सा वक्त है जब नमाज नहीं होती, सब वक्त दरूद चढ़ना होता है, लेकिन बंदे बदल रहे होते हैं और एक खुदा है जो एक ही है और एक ही नबी पे दरूद भेज रहा है। जो एक ही है और एक ही नबी पे, मेरा उनवान उधर ही रह गया जो मैंने आज पढ़ी थी, जो मुझे उनवान दिया गया था वो उधर ही रह गया है, वक्त ही नहीं है, वरना मैं आज आपको बताता साहब कौन है अली बैत कौन है। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हम रोटियों के लिए तकरीरें नहीं करते। मोड़े वाले ने कह दिया था जाओ भाई मुहिद्दीन गजनवी सब पुस्तक अड़ियां खानियां भी रहते तो मलायत ने मजे भी किए रहते। हम रोटियों के लिए तो तकरीरें करते नहीं है, हमें ना ईरान के पैसे चाहिए ना सऊदीया के चाहिए, हमें नबी की गुलामी चाहिए, बस मारे इशारे समझने पे इतना नहीं पता, ठीक है ना, ना हम ईरान के पाले हुए हैं ना सऊदीया के पाले हुए हैं, हम नबी के दर के पाले हुए हैं, हम वो बात कहेंगे जो सच लगेगी जो हक लगेगी। मैं बताता कि सहाबा कौन है, मैं बताता कि अहले बैत कौन है, और सच्ची बात है कि सहाबा और अहले बैत के वफादार सर सुन्नी है। अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह दरूद भेजता है नबी पे भेजता है, इधर हम भी भेजते हैं, उन्होंने कहा दरूद सुनाओ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दरूद सुना रहे होते हैं रब भी भेज रहा होता है, हम भी भेज रहे होते हैं, तो फिर मानना ये है कि रब सुन भी रहा होता है सुना भी रहा होता है, और ये कौन है जो सुन रहा होता है, वो मुस्तफा की जात है, वो मुस्तफा की जात है, तो वो और है। फिर मैं उधर आता हूँ, मैं और हूँ, बीच में एक और है, ना उस जैसा ना हम जैसा, फिर वो कैसा है। बस एक वाक्य सुना के ना, बस मेरे दो मिनट रहते हैं, नहीं बल्कि हो ही गए अगर एक आपके कदमों को हाथ लगा के, आपका ये गुलाम आपकी जूतियां सीढ़ियां करने वाला आपका नौकर बोल रहा है, ये आप ही की दस्ते शफकत का नतीजा है, वरना ये मन आनम मंद आनम जमाले हम नशीद और मन सरकार। खाने में गए ना मिट्टी उठाई ना, उस वक्त मिट्टी से जिस्म रगड़ा करते थे, उठाई तो उससे खुशबू आ रही थी, तो उसने कहा मिट्टी ये तेरी सिर तो नहीं है, ये खुशबू तुमने कहाँ आई है, तो उसने कहा जमाले हम नशीद और मन सरकार, मैं कुछ अच्छा फूलों की सोबत में रही हूँ तो उनकी खुशबू मुझ में उतर आई है, कमाले हम नशीद और मन असर कर रगड़ना मन हमा खाकम के हस्तम। तो अर्ज ये कर रहा था कि वो कैसा है, बस एक वाक्य सुना, सुकरात बहुत बड़ा फलसफी गुजरा, बहुत बड़ा फलसफी गुजरा, फल दुनिया फलसफा में सुकरात का नाम एक चमकते सूरज की तरह है। तो कहते मेरे बचपन का एक वाक्य है सुकरात का, माशाल्लाह सुकरात कहता है मेरे बचपन का एक वाक्य है कि हमारे मोहल्ले की नुक्कड़ पर एक कुम्हार होता था और बड़े खूबसूरत बर्तन बनाता था, और रोजाना मैं वहां बैठ जाता था और मैं देखता था कि वो मिट्टी में बड़ा गोला उठाता है और तेज चलते हुए चरखे पे रखता है। अब तवज्जो रखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा ये बात, वो तेज चलते चरखे पे रखता है और हाथों को मुख्तलिफ हरकतें देता 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 देता, तो थोड़ी देर में क्या पता लगता है कि वो मिट्टी का गोला या घड़ा बन चुका है या सुराही बन चुका है या जाम बन चुका है, या सुराही बन चुका है या घड़ा बन चुका है या जाम बन चुका है। तो मैं बड़ा हैरान होता और रोजाना में लुत्फ अंदोज होता और बड़ी मोहब्बत से। तो कहते कुछ दिन गुजरे और वो रोज में वहां बैठता और खामोशी से उठ के चला जाता, अपनी सैर को निकलता, फिर वापस आता। मेरा लड़कपन था बचपन का। एक दिन मैंने कहा मैं बाबा जी कोई बात पूछना चाहता हूँ। बाबा जी बड़े प्यार से लगते और उसने कहा बच्चा जी तू रोज आता है, आके बैठ के चला जाता है, शुक्र है तू बोला है, बेटा पूछ तो सही तू कहना क्या चाहता है। अब तवज्जो अहले इल्म दानिश तवज्जो करिएगा,
तवज्जो से सारे सुनिएगा और ध्यान से इस फकीर की बात सुनिएगा, शायद आपको माया थोड़ा सुनने को ना मिले लेकिन पत्ते की बातें मिलेंगी। तो उसने कहा जी के बाबा जी एक बात पूछनी है। उसने कहा बेटा जी शुक्र है तू बोला है, रोज आके चुप चला जाता, तू पूछ तू क्या कहना चाहता है। उसने कहा बाबा जी जब मिट्टी का गोला इस चरखे पे रखते हो, जब मिट्टी का गोला जो सिर्फ मिट्टी का गोला होता है इस चरखे पे तेज घूमते चरखे पे रखते हो, फिर तुम हाथों को हरकत देते देते उससे कुछ बना देते हो, बताओ ये खाका कहाँ बनता है। ये खाका अब अहले इल्म दानिश को एक इशारा दे रहा हूँ, यानी सुकरात से थोड़ा थोड़ा रास्ता भी जुदा करता हूँ। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा, समझ आई इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा। तो सुकरात ने कहा तेरा नक्शा, ये नक्शा कहाँ बनता है, हम भी नहीं समझे। सुभान अल्लाह, तू पता चलना समझे नहीं। रब फरमाता है कि कोई शय बनाने से पहले मैं इरादा बनाता हूँ, इरादा अंदर बनता है, कौन बाद में आता है, इरादा पहले आता है। सुकरात ने कहा बाबा जी जब बर्तन बनाते हो ये खाका कहाँ बनता है, बर्तन तो बाद में बनता है खाका पहले बनता है, ये बनता कहाँ है। उसने कहा मेरे दिल और दिमाग में बनता है, मेरे दिल और दिमाग में बनता है, और इंसानी जिस्म में यही दो कीमती जगह है, यही दो कीमती जगह है, या दिल है या दिमाग है। तो सुकरात क्या था, मैंने ताली बजाई और मैंने कहा समझ गया। बाबे ने कहा क्या समझा, उसने कहा बाबा जी मैं समझ गया। क्या समझा, उसने कहा मैं समझ गया कि मैं बना हूं, मेरा खाका कहां बना था, मेरा खाका कहां बना था। फिर उसने कहा बाबा जी जब मेला लगता है मैं मेले में जाता हूँ, सबसे भीड़ तेरे ठेले पे होती है, सबसे ज्यादा रश तेरे ठेले पे होती है, बेल बूटियां तो सभी बनाते हैं, रंग सभी भरते हैं, लेकिन तेरे बर्तन निखरे निखरे होते हैं और ज्यादा बिकते हैं, इसकी वजह क्या है। उसने कहा बच्चू जी बर्तनों की कीमत रंगों से नहीं बनती, ये मेरे बर्तन इसलिए निखरे नजर आते कि मैं बनाता इसलिए नहीं कि बर्तन बने, मैं इसलिए बनाता हूँ मेरा फन नजर आए। उसने कहा मैंने ताली बजाई और मैंने कहा समझ गया। उसने कहा क्या समझो, उसने कहा इसीलिए कायनात में मैं सबसे ज्यादा हसीन हूँ, सबसे ज्यादा अशफ़त मखलूकात हूँ। उसने कहा बाबा जी अगर बस अब वो जो हम जैसा भी नहीं उस जैसा भी नहीं तो फिर वो कैसा है, अब समझो अब सुनो। उसने कहा बाबा जी अगर इजाजत हो तो तीसरा सवाल पूछूं, अजी गुलजार साहब तो जो है एक तीसरा सवाल पूछूं। उसने कहा पूछो। उसने कहा बाबा जी तू ये तो बता कि तेरे दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश है जो तू चाहता हो पूरी हो जाए। अब मेरे जुमले पे तवज्जो कीजिएगा, अब तवज्जो कीजिएगा, आपको देर हो रही होगी लेकिन मैंने सिर्फ अब एक मिनट में बात मुकानी है। उसने कहा बाबा जी तेरे दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश जो तू चाहे कि पूरी हो, अब एक सवाली बर्तनों, अब ये जुमले पे तवज्जो रखिएगा, एक सवाली बर्तनों के खालिक से पूछ नहीं समझ आई मिस्टर साहब, कोई भी मारी गले नहीं समझ सके क्योंकि सुभान अल्लाह को पता चलना पड़ा। मैंने कहा बर्तनों का खालिक, नहीं अजय भी समझे, बर्तन बनाने वाला बर्तन ही शिर्क होया, मैं जिम्मेदार हूं उसके कंपनी भाई, मैं बैठा मैं कोई जवाब में दे सकता क्यों कंबी गए, बर्तनों का खालिक बोल रहा है, बर्तन बनाने वाला सिर्फ चंद बर्तनों का खालिक। पूछा बाबा जी तेरे दिल में कोई ख्वाहिश है जो पूरी हो, अब खुदा की कसम में जुमला कहूंगा तो स्टेज वाले अहले दाने से और समझदार लोगों की सुभान अल्लाह की सजा बुलंद होगी। उसने कहा मेरा जी चाहता है कि ख्वाहिश है कि जिंदगी में एक ऐसी चीज बना डालू ना पहले किसी ने बनाई ना बाद बना था। पहले किसी ने बनाई हो ना बाद किसी ने बनाई हो, बस मेरी तकरीर खत्म। अगर एक बर्तनों का खालिक चाहता है ऐसा शाहकार बना दूं जो ना पहले किसी ने बनाया ना बाद बनाया, तो रब ने भी कहा मैंने भी मोहम्मद बनाया है। खालिक कायनात, ए रब्बुर रहमान मुस्तान,
قادر مطلق فیاض ازل اے رب لم یزل لا یزال اے تاجدار کشور فکرم و غیب و شہود اے حاکم حکومت تخلیق و خالقیت اے مالک کشور حنانیت و منانیت اے کفیل رزق و عزت ہماری اس حاضری کو محفل کو مجلس کو میلاد کے اس اجتماع کو خوبصورت محفل کو جو ایک خوبصورت گھر میں سجی ہے اور ایک ماں کی سال ثواب کے حوالے سے اس کا انعقاد ہوا ہے اللہ پاک سے اپنی بارگاہ میں شرف قبول ارزانی فرما اے خالق کائنات تو کرم فرما ہر ایک کی نیک عرضے کی تکمیل فرما سب کی لغزشیں سب کی کوتاہیاں معاف فرما سب کی زمین برکات فرما جو بزرگ حضرات اس محفل میں شرکت کی سعادت سے بہرور ہیں اللہ ان کی بزرگی اقتدار میں اللہ تو برکات عطا فرما جو جوان ہیں اللہ ان کی جوانی میں تو برکات عطا فرما جو بچے ہیں اللہ جوانی کی بہاروں سے آشنا کر دے جو طلباء ہیں اللہ ان کے مستقبل تابناک روشن منور فرما ان کو زیر تعلیم سے آراستہ و پیراستہ فرما جو علماء کرام ہیں اللہ ان کے سینوں کو نور معرفت سے منور فرما جو ثنا خان مصطفیٰ ہیں خالق کائنات ان کے ذوق کو اسی طرح سلامت رکھ اللہ ان کے ذوق کو اسی طرح تحریز شباب سے اسی طرح جوان صاف رکھ اللہ تو کرم فرما اللہ سب کی زندگی برکات فرما سب کا مستقبل روشن و منور و فروزاں کر دے سب کی آرزوؤں کی تکمیل فرما سب کے دلوں کی دردوں کو اللہ اللہ کی ضربوں سے آشنا کر دے